राधे माँ शनिवार की शाम पहुंची साई लीला फाउंडेशन के कार्यालय पर। वजह यह थी कि राधे माँ जिस प्रकार से समाज सेवा और लोगों की सेवा निरंतर करती हैं और इसे एक सेवा के रूप में मानती हैं, वहीं साई लीला फाउंडेशन की रश्मि उपाध्याय भी महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसे में उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए और रश्मि उपाध्याय और अभिजीत राणे के आमंत्रण पर राधे माँ उनके कार्यालय पहुंची और उनके कार्यालय में विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन किए, जिसके बाद कार्यालय में उपस्थित उनके सभी स्टाफ ने माँ के दर्शन किए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं राधे माँ ने वहां पर पहुंचकर रश्मि उपाध्याय को उनके कार्य के लिए उनकी सराहना की और राधे माँ ने कहा कि इस तरह से तुम कार्य करते रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी कोई जरूरत मुझसे पड़ेगी। वहीं इस दौरान राधे माँ ने लोगों में साड़ी वितरित किया और साथ ही रश्मि उपाध्याय को स्कूल बैग दिया जो बच्चों के लिए वितरित किया जाए। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा राधे माँ, रश्मि उपाध्याय और अभिजीत राणे ने देखिए। अभिजीत राणे ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये बच्ची जो है सोशल वर्क कर रही है, लेडीज के लिए काम कर रही है, तो पहले तो मैं पंडाल पे गई गणेश जी के, फिर इसके बाद इस बच्ची के लिए मुझे आना पड़ा। तो मैं ये ब्लेसिंग देती हूँ कि जो ये काम कर रही है ये बहुत आगे बढ़े, सोशल वर्क करे और लेडीज़ के लिए काम करे। और सब लेडीज नारी शक्ति महाशक्ति, नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति है। वक्त आने पर नारी दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। जय माता की। गणपति बप्पा मतलब महिलाओं को जब एक मंच से सम्मानित भी करते हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ ये घबराए ना, ये घबराए ना। और नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति है, नारी अबला नहीं है। नारी को अपने आप को पहचानना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। नारी को जोश में रहना चाहिए, जो होश में है वही जोश में है। रश्मि जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज माँ यहाँ पर पधारी और आपकी आंखों में जिस तरह से आप काफी भावुक नजर आ रही हैं। पहले मैं अभिजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और राधे माँ का यहाँ पे आना ये बहुत ज्यादा हम सब के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरी महिला बचत गट की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक भी है। साथ ही साथ हमारे लिए उनका आशीर्वाद मिलना वो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माँ के पैर मेरे ऑफिस में पड़े, मेरे फाउंडेशन में पड़े, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारा फाउंडेशन और आगे बढ़ता चला जाएगा और महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करें।